नमस्कार, मैं ब्रजमोहन भारद्वाज, स्वागत है आप सबका न्यूज एनसीआर में। हरियाणा सरकार में खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खनन माफियाओं पर अंकुश लगाया है, जिससे हरियाणा सरकार को 450 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। आज गांव बावल में रूबरू होते हुए उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा में खनन माफियाओं पर अंकुश लगाकर करीब 450 करोड़ रुपए का राजस्व ओवरलोड वाहनों से सरकार के खजाने में भरने का काम किया गया, जो हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है। खनन मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ कदम उठा रही है। खनन मंत्री सोमवार को रेस्ट हाउस सभागार बावल में क्षेत्र के लोगों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को भी सुना और नगरपालिका चुनाव बावल को लेकर मुख्य कार्यकर्ता बैठक में कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी किया। बावल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री का बावल में पहुंचने पर स्वागत किया। परिवहन एवं खनन मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से 80% ओवरलोड वाहनों को रोकने का कार्य किया गया है और आने वाले समय में ओवरलोड वाहनों को जीरो करने का लक्ष्य रखते हुए काम कर रहे हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि ओवरलोड वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं और हर रोज टूटने वाली सड़कों में भी कमी आई है। पूरे इस पे हरियाणा प्रदेश में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने का हमने काम करा जी, पूरा ओवरलोडिंग पे। और ये मान के चलिए ओवरलोडिंग से हमने रिवेन्यू भी कलेक्शन किया है और मैं मानता हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया, पर ये आप भी मानेंगे 80% हमने इन पर लगाम लगाने का काम भी करा है जी। जब ट्रक के ऊपर ओवरलोडिंग होते थे, एक्सीडेंट करते थे, और धीरे धीरे समय लगेगा हम इसको जीरो कर देंगे। नहीं, विपक्ष की जो बार बार इस बात को कहते हैं कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं, यही तो हालत है विपक्ष की जी। पूरे देश में हालत क्या है, जो कांग्रेस के मित्र उनकी देश में हालत देखिए, प्रदेश में क्या हालत है इनकी। इन बातों से कांग्रेस के मित्रों को देखना चाहिए, सारे देश में जितना विकास देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हुआ है, कभी कल्पना भी नहीं थी।